मैंने एक वाकया पहले लिखा भी है किताब में और मुझे वो बहुत प्यारा लगता है वो लम्हा। जर्मनिस्तान में एक मरतबा न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर्स ईव थी, यानी अगला दिन लिया चढ़ना था। रात के 12 बजे सारे लोग ट्रफाल्गर स्क्वायर में इकट्ठे हुए, जो दुनिया की बेहियाइयां हैं उनमें मसरूफ हो जाते हैं उन दिनों में। और जब रात के 12 बजते हैं तो समझते हैं कि अब कोई तहजीबी रोक नहीं, कोई मजहबी रोक नहीं, हर किस्म की आजादी है। उस वक्त इत्तेफाक से वो रात मुझे ह्यूस्टन स्टेशन पे आई। मुझे ख्याल आया जैसा कि हर अहमदी करता है, वो इसमें मेरा खास अलग मुकाम नहीं था। अक्सर अहमदी अल्लाह के फजल से नया दिन इस तरह शुरू करते हैं, नया साल के रात के 12 बजे इबादत करते हैं। तो मुझे मौका मिला, मैं भी वहां खड़े होकर स्टेशन पर कागज अखबार थे वही बिछाकर वहां दो नफर पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद मुझे यूं महसूस हुआ कि कोई शख्स आके खड़ा हो गया है। और फिर नमाज अभी खत्म नहीं की थी तो मुझे सिसकियों की आवाज आई। एक शख्स रो रहा था। नमाज से फारग होने के बाद मैंने देखा कि एक बूढ़ा अंग्रेज बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं समझा मैं पागल हो गया हूं शायद इसलिए रो रहा है बेचारा मेरी हमदर्दी में। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी कौम को कुछ हो गया। सारी कौम इस वक्त नए साल में बेहयाई में मसरूफ है और एक आदमी ऐसा है जो अपने रब को याद कर रहा है। इस चीज ने, इस मुआवजे ने मुझे इस कदर मेरे दिल पर असर किया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और बार बार कहता था गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो हकीकत यह है कि अगर सारी दुनिया मजाक भी उड़ाए तब भी कौड़ी की परवाह नहीं होनी चाहिए कि हम जी नौजवान को, वो आजाद मर्द है, खुदा के सवा उसकी गर्दन किसी के हाथ में नहीं है। यही हकीकी आजादी है जो इंसान को नसीब होती है ईमान के नतीजे में। आज रात जब अक्सरियत शराबों और नाच गानों और शोर शराबे में मसरूफ होगी, इस खासतौर पर मगरबी दुनिया में, हम अपने जज्बात को खुदा ताला के हजूर इस अहद के साथ बहाएं कि आइंदा साल और हमेशा हम हमारे जज्बात अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करते हुए उसके हजूर बहते चले जाएंगे। हम अपने ईमान में तरक्की की कोशिश करने वाले होंगे, अपनी हर हालत और हर अमल को खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक ढालने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआएं भी कबूल फरमाए। आइंदा साल जो आ रहा है वो सब तमाम अहमदियों के लिए इनफरादी तौर पर भी और जमाती तौर पर भी बेइंतहा मुबारक साल हो। आइंदा आने वाले साल में पहले से बढ़कर इस ताल्लुक को मजबूत करने की खुदा ताला तौफीक अता फरमाए। और जो लोग अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो नहीं दे सके वो आज रात की दुआओं में, इस वक्त जुमे की दुआओं में इस पहलू के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला नेक अमाल पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा साल में अपनी इस्लाह के पहलू को हर वक्त सामने रखें और उसको सामने रखते हुए अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए नेक अमाल बजा लाने की कोशिश करें, अपनी इबादतों के मायार बुलंद करें। अल्लाह करे कि हम सब अल्लाह ताला की रजा के हसूल के लिए अपने अमलों को ढालने वाले हों।